सबसे पहले ये चीज देख लो कि जो उसपे लिक्विड है ना, लिक्विड है उसपे हम बता दें ग्लैसरीन। तो अब अगर फार्मूले के अंदर लिक्विड की जगह पे ग्लैसरीन भी अप्लाई कर देंगे तो उसका कोई इशू नहीं होगा। तो कह रहा है कि आप लोगों के पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.26, आप लोगों ने इस स्पेसिफिक ग्रेविटी की मदद से दो चीजें फाइंड करनी है, एक हम फाइंड करेंगे डेंसिटी और सेकंड वन पे हम फाइंड करेंगे स्पेसिफिक वेट। तो गिवन दैट हमने निकाल दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्लैसरीन इज इक्वल टू 1.26 और डेंसिटी ऑफ ग्लैसरीन फाइंड करनी है और स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लैसरीन फाइंड करना है। तो आप लोगों को पता है कि डेंसिटी फाइंड करने का बेसिकली हमारे पास जो प्रॉपर फार्मूला है वो हमारे पास है मास ओवर वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए ना तो क्वेश्चन उसने हमें मास दिया है और ना ही क्वेश्चन के अंदर उसने हमें वॉल्यूम दिया है। तो लेकिन उसने क्वेश्चंस के अंदर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, तो उस स्पेसिफिक ग्रेविटी की मदद से हम जो है वो डेंसिटी ऑफ ग्लैसरीन फाइंड कर सकते हैं और इसी स्पेसिफिक ग्रेविटी की मदद से हम स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लैसरीन फाइंड कर सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के फार्मूले की बात करें तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी का प्रॉपर जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि क्वेश्चंस के अंदर जो उसने हमें लिक्विड बताया, लिक्विड से हमें ग्लैसरीन बता दिया, तो मैंने लिक्विड की जगह पे ग्लैसरीन अप्लाई कर दिया है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि उसने जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई है 1.26, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह पे अप्लाई कर देंगे 1.26 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ग्लैसरीन, इसी तरह रहेगा। जबकि हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो इक्वल के साइन के दूसरी साइड पे कोई चीज डिवाइड हो रही हो तो हम उसको इक्वल के इस साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां हम लाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ ग्लैसरीन इसी तरह रह जाएगा। जब हम इसको 1.26 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो हमारे पास ये बनेगा 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है डेंसिटी ऑफ ग्लैसरीन वो हमारे पास फाइंड हो गया। सेकंड अगर बात करें तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लैसरीन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के दो फार्मूले थे, फर्स्ट को हमने क्लियर कर लिया, सेकंड जो हमारे पास है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लैसरीन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास उसी तरह 1.26 उसी तरह रहेगा इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लैसरीन हमने फाइंड करना है, जबकि हमें पता है कि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो है वो बराबर होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वही उसी तरह जिस तरह हमने यहां पे वाटर को यहां पे लाके मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर को भी इक्वल के दूसरी साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको 1.26 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.81 के साथ तो हमारे पास स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लैसरीन फाइंड हो जाएगा। तो दो ही चीजों से हमें क्वेश्चन में पूछी थी कि हम डेंसिटी ऑफ ग्लैसरीन फाइंड करो, सेकंड वन वो कह रहा था स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लैसरीन फाइंड करो, हमने उसको डेंसिटी ऑफ ग्लैसरीन भी फाइंड कर दी है और स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लैसरीन भी फाइंड कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप लोगों को फार्मूला याद होंगे, अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है तो आप लोग किसी सूरत में भी इनको हल नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप